बहुत सुंदर कहावत है, द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज कैरन एजिंग रे, योर ओन द फॉर्मल एडिट। आज हम बात करने जा रहे हैं अ मॉर्निंग रूटीन विच आई हैव बीन फॉलोइंग फ्रॉम इयर्स। ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट का रूटीन है, सिर्फ आपके स्किन और हेयर तक लिमिटेड नहीं है, मेंटल डेवलपमेंट एंड जिससे पर्सनली मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाया हूँ एंड आप भी कर पाएंगे। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, ये रूटीन सबसे ईजी है एंड एवरी वन कैन फॉलो इट। आई विल टेल यू मोर अबाउट द रूटीन। अ गुड मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट्स एक रात पहले से। ऐसा क्या अगर आपने बटर चिकन दाल मखनी बहुत हैवी खाया, बहुत जंक खाया है, नेक्स्ट डे गैस होती है, हेडेक होता है, लेजी होती है मॉर्निंग, एक प्रोडक्टिव परफेक्ट डे नहीं होता। सो ट्राई, घर का खाना खाइए इफ यू वांट अ प्रोडक्टिव डे, और 2 से 3 घंटा पहले बिफोर यू स्लीप। मेरा दिन स्टार्ट होता है 6-6:30 बजे के आसपास। आई कांट से यू 4-4:30 बजे उठना चाहिए, वो आर्मी वाला स्ट्रिक्ट रूटीन, क्योंकि वो नॉर्मली फॉलो होता नहीं है, वो फेक नहीं कर सकते। बट हाँ, स्लीप 6 से 8 घंटे की इज द पिलर ऑफ अ प्रोडक्टिव डे। अच्छी स्किन के लिए आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगे, माइंड शार्प चलेगा, सो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी स्किन, हेयर और हेल्थ के लिए आपको फर्स्ट स्टेप मिस नहीं करना, उठते 1 लीटर पानी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके अंदर से 1 ग्लास पानी पूरे 1 लीटर में से आप कैसे पिएंगे, आप तांबे के जग से पिएंगे विच इज कॉपर वेसल, आपका डाइजेशन अच्छा करता है एंड आयुर्वेदा के हिसाब से जो कफ वात एंड पित है तीनों दोषों को बैलेंस करता है, बहुत अच्छा है आपकी बॉडी फंक्शन के लिए। हाँ, रेस्ट ऑफ द पानी जो है आप किसी कांच की बोतल से पी सकते हैं, और उसके आधे घंटे बाद जब आप फ्रेश हो जाए, 1 कप पानी मैं पीता हूँ हल्का सा गुनगुना करके, उसमें आधा नींबू डालता हूँ 3 दिन हफ्ते में, और बाकी ऑल्टरनेट डेज पे मैं नीम लेता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नीम किस लिए अच्छा होता है, आपके डैंड्रफ के लिए, और बॉडी हीट को कम भी करता है। अगला स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपके मॉर्निंग रूटीन के अंदर, जिसको कहते हैं ब्रेन ट्रेनिंग। ब्रेन ट्रेनिंग चाहे वर्कआउट आधा घंटा करूँ ना करूँ, चाहे 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करूँ ना करूँ, 10 मिनट की ब्रेन ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करती क्या है, इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको शव आसन में लेटना है, चाहे बेड पे लेटिए चाहे मैट पे लेटिए, आपका पर्पस है अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना। मतलब क्या, आपको कोई भी यूट्यूब पे सॉन्ग लगाना है, बेसिकली साउंड वाइब्रेशन जो आपको रिलैक्स करती है, चाहे आप ओम नमः शिवाय चलाइए, चाहे राम का, चाहे अल्लाह का, कोई भी चला सकते हैं, जो भी आपको पॉजिटिव एनर्जी दे। 2 से 3 फीट अपने से फोन दूर रखना है, वो चैंट्स चलेंगी, आंखों को बिल्कुल बंद करना है, बॉडी को रिलैक्स करना है, सेंटर ऑफ योर माइंड बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करें, 10 मिनट के लिए लेट जाइए एंड इट विल मेक यू पॉजिटिव, आपके फेस पे ग्लो भी आएगा, फोकस्ड रहेंगे, और हाँ, एंग्जाइटी प्रॉब्लम और स्ट्रेस प्रॉब्लम भी कम हो। इसके बाद कोई फ्रूट लेता हूँ, बनाना या एप्पल, बिकॉज आई हैव टू हैव माई कॉफ़ी। कॉफ़ी क्योंकि खाली पेट नहीं पीता मैं, एंड एक्सेस ऑफ कॉफ़ी इज़ बैड। लो कैलरी कॉफ़ी लेता हूँ जिसकी मैंने रेसिपी नीचे दे दी है। और क्या, उसके बाद आता है अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, चाहे यूट्यूबर, चाहे मॉडल बनना है, चाहे आपको गेमर बनना है, चाहे आपको इंजीनियर MBA, कुछ भी, कोई भी गोल क्रैक करना है, ये स्टेप आप मिस नहीं कर सकते, जिसको कहते हैं स्केड्यूलिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी दिन में टास्क जो भी करता हूँ उसको एक जगह लिख लेता हूँ। उसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि मुझे रील बनानी है, स्क्रिप्ट लिखनी है, यूट्यूब की वीडियो कॉल पे बात करनी है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप यंग हैं, अगर आपकी कोई कॉलेज में एडमिशन हुआ है, स्कूल में हुआ है, तो उसका सिलेबस खत्म करना है। साथ में मुझे अगर यूट्यूबर बनना पैशन है तो यूट्यूब की 1 घंटा वीडियो सीखनी है कि कैसे एडिट करते हैं। गेमर बनना है तो कौन सी 2022 में गेम्स आने वाली जिसका स्कोप अच्छा है, जो ईजी है, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें लिखनी है, चाहे आपको खेलने जाना हो, चाहे आपको मार्केट सामान लेने जाना हो, एवरीथिंग हैज़ टू बी शेड्यूल। आपका एक दिन बनाया, उसका एक गोल, एक राह बनी है दिन की, वो शॉर्ट टर्म गोल है, आगे आपको पता है लॉन्ग टर्म गोल क्या है, क्योंकि आपके पास एक डेस्टिनेशन है तो बंदा एक मेहनत करता है डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, तो वन डे यू विल रीच देयर। अगर आपके पास डेस्टिनेशन नहीं है, कोई शेड्यूल ही नहीं है, तो मेहनत करते जाइए, कहीं नहीं पहुंचेंगे आप। उसके बाद आता है होम वर्कआउट, जो 30 मिनट से ज्यादा मैं टाइम नहीं देता। क्या करता हूं, कैसे करता हूं, सब कुछ डिटेल में दे रखा है। वर्कआउट के बहुत बेनिफिट्स है, यू स्टे एक्टिव, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, कॉन्फिडेंट, यू लुक गुड इन क्लोथ्स एंड मेनी अदर थिंग्स। अब आता है शावर रूटीन का पहला स्टेप, विच इज सेल्फ ग्रूमिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लड़कों के बाल बढ़ते हैं, लेकिन उससे जल्दी फेशियल हेयर बढ़ते हैं। इफ यू आर सेल्फ ग्रूम्ड, अच्छे से ग्रूम्ड अप है, वेल कैप्ड, पॉजिटिव एनर्जी आती है, और क्या, कॉन्फिडेंट लगते हैं। अगर आप शैबी हो जाते हैं, बाल दाढ़ी बढ़ा के रखिए, आपने देखा होगा नेगेटिव एनर्जी आती है। तो हर 4 से 5 दिन में मैं दाढ़ी सेट करता हूँ, 10 से 12 दिन के अंदर मैं ट्रिम करता हूँ। क्यों, क्योंकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड व्हेन यू आर वेल केप्ट वो पॉजिटिविटी आती है। इसके लिए क्या करता हूँ, मैं आपको रूटीन समझा देता हूँ। सबसे पहला आई ट्रिक ट्रांसपेरेंट जेल। ट्रांसपेरेंट जेल क्यों, आपको पता है अगर आप घर पर सेट कर रहे हैं तो वो गलत ना कटे, आपको दिखता है आप कहाँ काट रहे हैं और कोई गलत कट ना पड़ जाए आपके। उसके बाद क्या, रेजर। While you are selecting razor, मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, उसके अंदर डबल ब्लेड होना चाहिए और ल्यूब्रिकेंट लगा होता है। आप बाहर पढ़ सकते हैं कोई भी रेजर खरीदने से पहले, सो अच्छे से वो ग्लाइड हो जाए आपके, इजीली कट जाए आपकी दाढ़ी। मैं पर्सनली कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, किंग्सी जिलेट का। और क्या, जब आपने सेट कर ली, उसके बाद आपको एक आइसिंग का राउंड दे सकते हैं या आप ठंडे पानी से स्प्लैश कर सकते हैं जिससे आपके पोर्स बंद हो जाए। पहले शावर लेता हूँ, दैट इज थ्रू आउट द ईयर मैं पूरे ठंडे पानी से नहाता हूँ। विल पावर, हेयर एंड स्किन सबके लिए अच्छा होता है। और उसके बाद क्या आता है, आपका शैम्पू आता है। जब मैं शैम्पू करता हूँ
शैम्पू के साथ साथ मैं बॉडी पे वॉश लगा लेता हूँ, बॉडी वॉश जो सैलिसैलिक एसिड बॉडी वॉश होना चाहिए, एंड लूफा से जेंटली रगड़ लेता हूँ, एक मिनट बाद उसको धोता हूँ दोनों चीज़ों को, उसके बाद क्या कंडीशनर लगाता हूँ। वाइल्ड कंडीशनिंग में आया जो 1.5 से 2 मिनट रखना है, मैं टाइम वेस्ट ना हो मेरा, मैं अपना डेंटल केयर कर लेता हूँ, बेसिकली ब्रश होता है जिसके अंदर, उसके बाद फ्लॉसिंग और टंग स्क्रैपर। अच्छा आपका डेंटल रूटीन है ये, और आपकी स्मेल भी बिल्कुल नहीं आएगी। हफ्ते में 1 से 2 बार कोकोनट ऑयल पुलिंग भी करता हूँ फॉर व्हाइट टीथ। आफ्टर शार बेसिक स्किन केयर रूटीन, नहाते हुए हमने फेस वॉश कर लिया था, उसके बाद क्या टोनर लगता है, मॉइस्चराइजर एंड फिर सनस्क्रीन लगती है। एज आपके बालों के लिए कंडीशनर इंपॉर्टेंट है, सेम वेज आपकी बियर्ड के लिए बियर्ड ऑयल इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 ड्रॉप लीजिए, अच्छे से मसाज करिए एंड उसको लगाइए। उसके बाद रिच इन प्रोटीन ब्रेकफास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना। ब्रेकफास्ट के 30 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आई टेक दिस वाइटामिन सी ई एंड मल्टी वाइटामिन लेता हूँ। मैं कौन सा कितने दिन पे लेता हूँ, क्या ब्रेकफास्ट में खाता हूँ, फुल डे ऑफ ईटिंग में सब कुछ के बाद। ये रूटीन मैं खत्म नहीं करना चाहता था विदाउट टेलिंग यू द स्ट्रैटेजी जिससे सारे टास्क कैसे पूरे करता हूँ, सारे गोल कैसे पूरे करता हूँ, बेसिकली प्रोडक्टिव कैसे रहते हैं, कि इसको इमेजिनरी सक्सेस लैडर बोलता हूँ। जैसे अपनी सीढ़ी होती है, आपको एक गोल पे पहुंचना है। हम होमवर्क करते थे, स्कूल जाते थे तो टीचर से डरते थे, एक टीचर है इमेजिनरी बीच में और ऊपर एक गोल है। अगर मैंने स्केड्यूल जो बनाया था, 4 चीज़ पूरी करनी है, 5 पूरी करनी है, उस स्केड्यूल के सबसे अगर वो मैंने पूरी नहीं करी, टीचर बोलेगी आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप अगली लैडर पे नहीं जा सकते। सो इसी बहाने आई कंप्लीट ऑल द टास्क। अगर मैंने पूरा कर लिया तो वो आगे जाने देगी, अगर पूरा नहीं करा तो क्या बोलेगी, डू बेटर नेक्स्ट डे, अगर नहीं किया तो 2 स्टेप पीछे हो जाना। दैट इज द स्ट्रैटेजी आई फॉलो टू बी प्रोडक्टिव ऑल। सो दोस्तों सब कुछ था अबाउट अ पावरफुल मॉर्निंग रूटीन और जो मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी है, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आपको खरीदना है आप खरीद सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना।